अंतस योग में आप सभी का स्वागत है। मैं मिसेज जैन, योग विशेषज्ञ। आज की वीडियो में हम बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए 5 वर्कआउट बता रहे हैं। देखते रहिए अंतस योग। फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही इफेक्टिव, पूरी बॉडी के वेट को रिड्यूस करने के लिए एक्टिव रेस्ट। अपनी क्षमता अनुसार कम से कम 2 मिनट तक इसका अभ्यास कीजिए। सेकेंड वर्कआउट, ये एक्सरसाइज न केवल आपके एब्डोमिनल को मजबूत रखती है बल्कि आपके बैली में जमा फैट की लेयर को भी बर्न करती है। तो आज से इन दोनों एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल कीजिए। ध्यान रहे, ये सभी एक्सरसाइज मेल और फीमेल दोनों के लिए बेनिफिशियल है। कोशिश करें हफ्ते में कम से कम 3 बार इन सभी एक्सरसाइज का अभ्यास जरूर करें। थर्ड वर्कआउट, जो बैली फैट के साथ साथ आपकी थाइस को शेप देगा। सांस को बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को फ्लोर से टच करके दोबारा सांस को भरते हुए ऊपर जाएं। अपनी क्षमता अनुसार 10-20 times। विशेष सावधानी, जिनको घुटनों में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है वो इस एक्सरसाइज का अभ्यास ना करें, क्योंकि अक्सर शरीर में कई ऐसे हिस्से होते हैं जो ज़्यादा मजबूत होते हैं और कुछ कमज़ोर, जिनकी वजह से आपके कई बॉडी मूवमेंट्स में दिक्कतें आती हैं। लेकिन प्रतिदिन के अभ्यास से आपकी क्षमता धीरे धीरे अपने आप बढ़ेगी। अगर आपको लगता है कि वर्कआउट करने की क्षमता आप में कम है तो 2 एक्सरसाइज के बीच में 20 या 30 सेकंड का रेस्ट जरूर लें। नेक्स्ट वर्कआउट, बेली फैट के साथ साथ आपके लोअर एब्स को सीधा ये टारगेट करती है। ध्यान रहे, अगर आपको पैरों में किसी भी प्रकार की समस्या है तो घुटने को ज्यादा नीचे ना झुकाएं। दोनों तरफ से 10-10 times। नेक्स्ट वर्कआउट, ये एक्सरसाइज आपके लोअर बैली के साथ साथ आपके साइड्स को रिड्यूस करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है, यानी एक्सरसाइज 1 और फायदे 2। इसको करते वक्त आपको ध्यान रहे कि आपके बैक थोड़ा स्ट्रेट हो। पैरों पर भार को लेते हुए मैक्सिमम नीचे बैठते हुए बाद में होल्ड जरूर करें। फिलहाल इतना ही। इन सभी एक्सरसाइज को करने में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम दूसरी एक्सरसाइज सजेस्ट करेंगे। देखते रहिए, खुश रहिए। अंतस योग।